हेवी एक्सरसाइज की तो अच्छी बॉडी तो बन जाएगी, पर सपने में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बॉडी कैसे बनाएं। तो ये वीडियो 16 से 17 साल के मेरे भाइयों के लिए है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा वर्कआउट करना चाहिए और कितना करना चाहिए। तो अगर आपकी उम्र 16 साल है तो आपको ज़्यादा टिप्स नहीं लगानी है, क्योंकि दोस्तों ये उम्र होती है शरीर की ग्रोथ की। इस उम्र में आपके शरीर की लंबाई और चौड़ाई आने लगती है। कई भाई इस उम्र में जिम करते हैं, मतलब जिस उम्र में शरीर नेचुरली बढ़ता है उस उम्र में जिम करके शरीर बढ़ा रहे हैं। अगर इस उम्र में जिम करके शरीर बढ़ाओगे तो शरीर की चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, आपका शरीर जितना चौड़ा है उसी पर मसल्स आएगी। बॉडी तो बनेगी लेकिन शरीर आकर्षक नहीं बनेगा। तो जिम में जाकर बॉडी ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बॉडी आकर्षक बनेगी कैसे। तो 16 साल के भाइयों से शुरू करते हैं। आपको कोई डिप्स नहीं लगानी, कोई डंबल नहीं मारने, आपको जाना है ग्राउंड में और 2 महीने तक आपको सिर्फ करना है ओनली लेग वर्कआउट, क्योंकि लेग वर्कआउट करने से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है। तो लेग वर्कआउट करो खतरनाक वाला, हर दिन अलग अलग पार्ट्स का वर्कआउट, एक दिन काल्व्स मसल का, एक दिन थाइस का। और हाँ, वर्कआउट सभी पार्ट्स के करने हैं। हफ्ते में एक दिन करना रेस्ट, बाकी 6 दिन शरीर को एकदम से निचोड़ के रख दो। और जब आपको लेग मसल का वर्कआउट करते 2 या 3 महीने हो जाए तब उसके साथ में आप ऐड कर सकते हो दंड यानी डिप्स। पहले तो आपको 20-30 से शुरू करना है और फिर हर दिन 4 या 5 आपको बढ़ाते जाएंगे और 4-5 महीने में आप 500-500 1000-1000 दंड लगाने लगोगे। देखो, अगर होम वर्कआउट से बॉडी बनानी है तो 100-200-300 से कुछ नहीं होगा, कम से कम 500 से 1000 के बीच डिप्स लगाओगे तो शरीर बनेगा। 100-200 डिप्स से नहीं कुछ होने वाला। और जिम वाला शरीर तो जिम छोड़ने पर कम हो जाएगा, लेकिन अगर नेचुरल शरीर बन गया तो ये ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएगा। और हमारे देश में तो ऐसे ऐसे ताकतवर पुरुष हुए हैं जिन्होंने कभी जिम के दर्शन भी नहीं किए और उनकी बॉडी इतनी भयंकर कि जिम वाले भी उनके आगे पानी भरे। आप सबने कुलदीप आर्यवीर का तो नाम सुना ही होगा। इन्होंने सिर्फ होम वर्कआउट करके इतनी तगड़ी बॉडी तैयार की और 25,000 डिप्स 10 घंटे में लगाकर। तो ये ताकत होती है देसी दंड और देसी तरीकों की, और ये ताकत होती है भारतीयों की। हमारे देश के भी किसी से कम नहीं है, ये साबित कर दिया कुलदीप आर्यवीर ने। दारा सिंह, ये भी कभी जिम नहीं गए, ये अपने समय के बहुत खतरनाक रेसलर हुआ करते थे और इन्हों कई फिल्मों में भी काम किया है। राम मूर्ति जी, जिन्होंने हाथी को छाती पर चढ़ा लिया था और जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था उस समय में इन्हें कलियुगी भीम के नाम से पुरस्कृत किया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी बात है। और ये एक बात और बताते थे कि दंड के साथ अगर कुंभक करो तो इसका डबल फायदा मिलेगा, यानी लंबी सांस भरकर जितने दंड लगा सको उतने दंड लगाओ और फिर वापस जितने लंबी सांस भरकर वापस से दंड लगाओ। और हाँ, बॉडी चुटकियों में नहीं बनती, इसे बनने में 2 से 1 साल का समय लगेगा। कई भाई तो 1-1.5 महीने करते हैं और जब फर्क नहीं लगता तो छोड़ देते हैं। तो ये काम हमें नहीं करना। अगर साइंटिस्ट टेलीफोन बनाने के बाद रिसर्च करना बंद कर देते तो आज क्या हमारे पास स्मार्टफोन होता। हमें भी यही करना है, निरंतर प्रयास करना है, अपने वर्कआउट को और तगड़ा बनाते जाना है। मेहनत से भागना नहीं है, और बस मेहनत करो, दंड लगाओ, दंड बैठक लगाओ, बस बॉडी अपने आप बनेगी। और अपनी डाइट को अच्छा रखें, फूड अच्छा खाएं, जंक फूड के ऊपर ध्यान ही ना दें, और अगर ज़्यादा मन हो तो महीने में 1 बार खाओ। और अच्छा खाओ, अच्छा पियो और मस्त रहो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।